जालौन में कई वर्षों से अधूरे पड़े कालपी फोर लेन एवं फ्लाईओवर का कार्य आज से शुरू हो गया। जिला प्रशासन व नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा सभी समुदाय की सहमति से मार्ग के रास्ते में पड़ रहे धार्मिक स्थलों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हटाया गया। अनहोनी की आशंका को देखते हुए भारी मात्रा में पुलिस बल के साथ पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया था। निर्माण कार्य के चलते कानपुर झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग को डाइवर्ट किया गया, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बता दें कि कानपुर झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग 25 पर कालपी कस्बा का अंडरपास करीब 2 किलोमीटर का है। ये मार्ग रास्ते में पड़ने वाले धार्मिक स्थलों की वजह से नहीं बन पा रहा था, जिसके कारण उक्त मार्ग पर आए दिन जाम की स्थिति बन जाती थी। मार्ग के निर्माण के लिए NHAI और जिला प्रशासन ने विभिन्न संप्रदाय के लोगों को विश्वास में लेकर सभी की सहमति के बाद धार्मिक स्थलों को हटवाने का रास्ता साफ किया। आज भारी पुलिस बल एवं पैरामिलिट्री फोर्स की मुस्तैदी के बीच धार्मिक स्थलों को हटाया गया। इस दौरान कानपुर से झांसी जाने वाले वाहनों को बाया औरैया झांसी भेजा गया, तो वहीं झांसी से कानपुर जाने वाले वाहनों को हमीरपुर से डाइवर्ट किया गया। देखिए, रूट तो सुबह 8 बजे से लेके लगभग जब तक हम लोग के यहाँ से पूरा क्लियरेंस नहीं हो जाता है, सारे स्ट्रक्चर स्थापित नहीं हो जाते हैं, तब तक जो है वो लगा रहेगा। भोगनीपुर से डाइवर्ट हुआ है और यहाँ आपका जोलोपुर से डाइवर्ट हुआ है, तो वो रूट डाइवर्जन जो है सुबह 8 बजे से चालू हुआ है और वो जब तक ऑल क्लियर ना हो जाए तब तक वो रहेगा। सर, यहाँ पर कई जो मंदिर थे तो उनको कहाँ पर शिफ्ट किया गया है और प्रशासन ने कितना फोर्स यहाँ पर लगाया? देखिए, मंदिर विस्थापना का कार्य चल रहा है। शिव मंदिर का विस्थापना पहले ही हो गया था, जो दुर्गा मंदिर है उसका विस्थापना अभी जारी है, वो शाम तक उसकी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। साथ साथ आपका ये जो तकी मस्जिद थी उसके विस्थापना के लिए समिति को बताया गया, वो जो भी जमीन मुहैया कराएगी उस पर उनको पूरा बना के दिया जाएगा, अथवा समिति को पैसा लगभग 55 लाख का आवंटन किया गया है। मंदिर के लिए लगभग 24 लाख का आवंटन किया गया है और साथ ही साथ जो मज़ारे थी उनका विस्थापन करके दूसरे जगह पर जो है उनको दोबारा से जो है सम्मान सहित जो है बनाया जा रहा है। सर, कितना फोर्स बाहर से आया था और रैपिड एक्शन फोर्स कितना है? 3 RAF की हमारी कंपनी है और 3 PAC है, साथ ही साथ अन्य जनपद से हमारे ऑफिसर गण आए हैं, डिप्टी SP, ASP, और लगभग जो है यहाँ पर फोर्स की संख्या 1000 के आसपास है और अभी जो है ये बनी रहेगी यहाँ पे कुछ दिन तक, जब तक सामान्य स्थिति पूरी तरीके से सामान्य ना हो जाए। NS द्वारा कब तक सर पूरा काम करा लिया जाएगा ये रोड बनाने का? देखिए, ऑपरेशन सहयोग में सबका सहयोग रहा, NH का भी सहयोग है, साथ में NH की टीम वगैरह भी लगी हुई है और जैसे ही मुझे लगता है बारिश बंद होगा उसके 1-1.5 महीने में सर्विस लेन पूरा हो जाएगा और उसके अगले 6-7 महीने में जो है फ्लाईओवर भी पूर्ण हो जाएगा।